हाथ सीधा कान के साथ कमर से जाइए पीछे की ओर, ऊपर देखिए, दो दो में कमर से नीचे झुकिए, घुटनों को सीधा रखते हुए जितना आसानी से नीचे झुक सकते उतना झुकिए। आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे और तीसरे दिन की शुरुआत की है सुबह 5:15 बजे के योगा से और अभी यहाँ के राउंड लगा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, 10 राउंड्स लगाने हैं आज। उसके बाद फिर मसाज के लिए जाऊँगा और मसाज के बाद में फिर वो मिट्टी लेप के बाद में स्टीम और स्टीम के बाद में अपने रूम में आकर शावर। लंच में अगर कुछ आज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो शायद आज भी हो सकता है मौसम्बी का जूस ही हो। फास्टिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बॉडी के ऊपर। आप भी कभी आपको ऐसा लगे कि तबीयत ख़राब है या गैस्ट्रिक हो रहा है, एसिडिटी हो रही है या बुखार है या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, आप उस दिन के लिए फास्ट कर लो। एक दो दिन कम से कम खाना खाओ, उसके बाद में एक आध दिन लाइट खाओ, बॉडी क्लीन होती नजर आएगी, बीमारी सारी छूमंतर हो जाएगी। सुबह 7 बजे अभी हनी वार्म वाटर मिला है मेरी डाइट के अंदर। तो लगभग ज़्यादातर तो सूख गई है मिट्टी, 20-25 मिनट हो गए, शायद 5-10 मिनट में पूरी सूख जाएगी। किसका जूस है मेरा? ऐश गार्ड। थैंक यू। तो यहाँ से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड, यहाँ से ज़्यादा सस्ता आपको कोई नेचुरोपैथी सेंटर नहीं मिलेगा। आपकी कंप्लीट बॉडी क्लीनिंग हो जाएगी, आपको अंदर से ही अच्छा महसूस होगा, किसी भी टाइप की बीमारी होगी या तो क्योर हो जाएगी या फिर उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आज का मेरा day 3 था और ऐसी कुछ एनर्जी लॉस लग नहीं रही, इनफैक्ट ज़्यादा एनर्जी लग रही है, हल्कापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। कल बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ लिक्विड डाइट चली थी। मुझे आज डॉक्टर को भी दिखाना है, अभी जाऊंगा वापस से कोकोनट वाटर पीने के लिए। कोकोनट वाटर मुझे बोला है कि आप कितना भी पी सकते हो।
मेरी डाइट के अंदर आज सुबह से एक मौसम्बी का जूस, उसके पहले एक पेठे का जूस और उसके बाद में 3 नारियल पानी। तो ये अभी तक की आज की डाइट थी 3:30 बजे तक की। इसके बाद भी शाम को एक नारियल पानी और होगा या कोई ना कोई जूस होगा, शायद अनार का जूस हो सकता है। उसके बाद आज तीसरा दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर कल देखते हैं कल क्या डाइट है। और फिर कल तो मैं वैसे भी मुंबई जा ही रहा हूँ। मुझे है ना, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर किसी ने लिखा था कि तुम बहुत मोटा दिख रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा पतला हो जाए, क्योंकि मोटा तो हो गया था और कोटा में रह के पतला तो नहीं हो सकता था। आज मेरा डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन है, डॉक्टर को आज दिखाते वेट वापस से मेजर होगा, पर आपको मैं वेट कल बताऊंगा फाइनल वेट कितना कम हुआ है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो nisargopchar.org ऐसा कुछ वेबसाइट है, मेन है निसर्गोपचार, अगर आप गूगल के ऊपर डालेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जितना अच्छा ये सेंटर है ना, वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें नहीं आई है, क्योंकि ज़्यादातर इस सेंटर के अंदर सेवा वाला भाव ज़्यादा है, कमर्शियल वाला एंगल थोड़ा सा कम है। और कोई अगर आकर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बना सकता है तो बना दे, यहाँ के प्रमोशन के लिए कोई ना कोई वीडियो। तो मेरा मन किया इनकी वेबसाइट के लिए भी एक बनाया जाए, वो मैंने बनाया है, थोड़े टाइम बाद इनकी वेबसाइट पे भी आ जाएगा। तो आज के सेशन में मेरा है ये पाउडर मसाज, जिसमें पाउडर डालने के बाद में ये एक मशीन है, इस मशीन से लगातार फिर फुल बॉडी मसाज होता है। ये वाला मसाज फैट रिड्यूस करने के लिए होता है, जिसको भी अपना फैट रिड्यूस करना है, फैट के साथ साथ में वेट भी रिड्यूस होता है, उसके लिए बेस्ट होता है ये पाउडर मसाज। कमाल का है भैया, ये कितनी देर देते? 15 मिनट के लिए होता है। ये अभी आइस वाला लगाया है, आइस वाले के बाद में जैसे 2 मिनट हो जाएंगे मेरे टाइमर के अंदर आइस वाले के, तो ये आइस वाला निकालेंगे। और ये क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसको डायरेक्टली पेट पे नहीं रख सकते, इसको टी शर्ट के ऊपर 3 मिनट के लिए। ये वापस से आज अल्टरनेट था, तीसरे दिन स्पाइनल स्प्रे का। तो ये मशीन है, इसके ऊपर लेट जाते हैं, इसके पीछे प्रेशर होल्स है, ये सारे लाइन से इसमें से पानी आता है प्रेशर के साथ में, गर्म पानी या ठंडा पानी या न्यूट्रल पानी, जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया होता है। तो ये मैं लेटा, ये पानी आना स्टार्ट हो गया है। ये एक लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हैं, आपकी खुद की बुक्स भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से लेकर भी बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत तरीके की बुक्स है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी टाइप की बुक्स है। प्रिंटर है, चीज़ें हैं। थैंक यू। बाय बाय।
में बैठेंगे, आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं।